देखिए, अगर आपके पास फायर बोल्ट की स्मार्ट वॉच है और वो कनेक्ट नहीं हो रही है आपके मोबाइल डिवाइस से या फिर कोई भी डिवाइस से, तो आप उसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको होम पे आ जाना है, फिर स्वाइप करना है कुछ इस तरीके से। देन अब आपको देखिए, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको, आपके फ़ोन में तो कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम ना हो, आपके फ़ोन का तो ब्लूटूथ या कुछ हार्डवेयर इशू तो नहीं है फ़ोन में, आप पहले वो चेक कर लें। अगर उससे सही नहीं होता है तो आपकी वॉच कहीं गिरी तो नहीं थी, आप ये भी एक बार मेक श्योर कर लें। अगर ये सब नहीं है फिर भी कनेक्ट नहीं हो रही है, तो सिंपल से मेथड है, आप यहाँ पर स्क्रॉल कीजिए और मोर के ऑप्शन पर आइए, देन आपको यहाँ पर रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आपको रीस्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर इस तरीके से रीस्टार्ट आएगा, एक बार आपको अपनी वॉच को रीस्टार्ट कर लेना है। अब आपकी वॉच वापस से ऑन होगी, देखिए ये ऑन हो गई है। अब आपको क्या करना है, कनेक्ट करके देखना है अपने डिवाइस से, मोबाइल से। अभी भी नहीं होती है तो यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी सॉफ्टवेयर इशू आ जाता है तो आपको यहाँ मोर पर जाना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, तो आपको रीसेट का ऑप्शन दिखाई देता है, आपको रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर इस वॉच को यस करके इसे रीसेट कर देना है, और इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं रीसेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी रीसेट किया हुआ है, बट आप रीसेट कर लीजिएगा, इसके बाद आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन बता दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।